हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज बारिश आ रही है हमारे इधर, बहुत बारिश हो रही है। इवनिंग टाइम का बारिश आप लोगों को देख रहा होगा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग स्कूल में से अभी अभी आया हुआ है, बारिश स्टार्ट हो गया। देखो कितनी वैष्णवी को काशी हो रही है। और बारिश का मौसम सब लोगों को अच्छे लगते हो। हाँ, तो इधर बारिश आ गया नहीं आता, अभी अभी आ गया था। कितना अच्छी बारिश हो गई रही है। देखो बारिश का टाइम में कुछ चटपटी गाने के लिए मचा ही कुछ और है। आप लोगों को किस किस को बारिश पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो बारिश रुक गया है, धीरे धीरे इधर बारिश का कुछ कहानियों में बच्चे को साथ बोल रही थी। मैं बचपन में बारिश होने के टाइम होली बनाकर पानी में चलाती थी। वैष्णवी बोला मुझे भी होली बनाकर देना, मैंने कागज़ की होली बनाकर दिया। ये दोनों खेल रहे हैं। मैं भी ऐसा करती थी, बारिश आ रही कहते हैं कागज़ का होड़ी किस किस ने बनाए कमेंट में बोलना। आप लोग सब देखते हैं, कमेंट नहीं करती है। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइबर तो मुझे पता चलेगा ना आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आ गया कि नहीं। ना तो मुझे कैसा पता चलेगा, कमेंट करो। इधर वैष्णवी खेल रही है। इधर मैं इवनिंग टाइम का चाय बना रही हूँ। अभी टाइम हो गया 5 बजे। अदरक वाली कड़क चाय, बारिश का मौसम में कड़क चाय पीने के भी अच्छा लगती है। अदरक भी अच्छा लगती है, अदरक वाली चाय। कुछ नाश्ता भी मुझे बनाना है, इवनिंग टाइम का नाश्ता। इस वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप लोग कमेंट करिए, मुझे तो पता चलेगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया कि नहीं। हाय, इधर मैं बना रही हूँ इवनिंग टाइम का नाश्ता। नाश्ता में मैं बना रही हूँ खट्टा ढोकला। गुजराती लोगों को पता हुआ कि ढोकला कैसा बनाते हो, बहुत टेस्टी डिश है। इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम खाना बहुत अच्छा लगते है, सब लोगों को पसंद है। मेरा घर में अंदर में कढ़ाई रखा, उसमें ऑयल डाला और जीरा और राई डाला। और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाला। इसको एक मिनट और नहीं देना, मिक्स करना था।
बहुत टेस्टी डिश है। कट्टे टुकड़ा बनाने का प्रोसेसिंग रेसिपी आप लोगों को सब लोगों को पता ही होगा। बनने के बाद इसमें डालना है टुकड़ा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी नमक और हल्दी डालना है। नमक ऑलरेडी इसमें डाला है इसलिए पकड़ा है। फिर मिक्स कर देना, एक दो मिनट इसको मिक्स कर देना हमें। होने के बाद इसको सर्व कर कर चाय के साथ बढ़िया सा है, जबरदस्त नाश्ता है। हमारा कुछ फोटोस इधर ऐड कर रही हूँ।